नमस्ते फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। सो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ अपने कुछ ड्राइंग्स को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ 5 टिप्स जो आपकी ड्राइंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी, एक नेक्स्ट हायर पे ले जाएंगी। तो बात करें टिप नंबर 1 की। सो टिप नंबर 1 इज़ प्रैक्टिस विथ स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस विथ स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर एक ऐसा मेथड होता है, जैसे कि आपको क्लिप्स दिखाई जाएंगी, आपको फ़ोटोज़ सॉरी क्लिप्स नहीं आपको फ़ोटोज़ दिखाई जाएंगी। तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप किसी भी ड्राइंग को स्टार्ट करते हो, तो उस ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक शेप, जैसे कि सर्कल्स, स्क्वायर और कुछ डिफरेंट शेप्स जो काफ़ी हार्ड नहीं होती, जो इजी वे से बनाते हैं। जैसे कि एक बेसिक सर्कल बनाया और सर्कल बना के फिर उसमें और हम शेप्स ऐड करते हुए बेसिक से हम डिटेल में जाते हैं, जिससे कि हमारी ड्राइंग काफ़ी परफेक्ट होती है। और जब हम स्टार्टिंग से ही परफेक्ट ड्राइंग करते हैं तो हमारे पेजेस स्मज जाते हैं और पेज हमारे काफ़ी बेकार हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें स्ट्रक्चर मेथड काफ़ी मदद करेगा, हेल्प करेगा हमारी ड्राइंग को डिटेल करने में। और ड्राइंग जब डिटेलिंग होती है तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी नुमाया दिखती है। तो टिप नंबर 2 इज़ यूज़ ए लेयरिंग। सो लेयरिंग का मेथड क्या होता है? लेयरिंग एक काफ़ी यूनिकनेस और पहले स्टेप से मिलती जुलती स्टेप होती है, क्योंकि लेयरिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप जब आपका एक शेप बन जाता है, जब आप एक शेप बन जाता है तो एक जैसे कि जब आप स्ट्रक्चर ना अप्लाई कर पाओ, स्ट्रक्चरिंग मेथड आप ना अप्लाई कर पाओ, तब आप इस लेयरिंग मेथड को अप्लाई कर सकते हो। और जब आप इन दोनों मेथड को सीख जाओगे तो आपके लिए कोई भी ड्राइंग बनाना हार्ड नहीं होगा, ट्रस्ट मी, बिकॉज लेयरिंग मेथड वन ऑफ द बेस्ट होता है। लेयरिंग मेथड क्या होता है? सबसे पहले हम एक हल्की पेंसिल से कई लाइंस को ड्रॉ करते हैं, नहीं कई लाइंस को ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करके एक बेसिक शेप बनाते हैं। क्योंकि जब हम कोई शेप बनाएंगे तो परफेक्ट नहीं बनता है, हमें सर्कल छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए। हर एक सर्कल हम कंपास से नहीं बना सकते, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं, काफ़ी टाइम जाएगा और पेपर में गड्ढे पड़ सकते हैं कंपास की नोक से। तो इसलिए हम जब एक सर्कल बनाएंगे तो एक बार परफेक्ट ही बनेगा, उसको हम 1, 2, 3, 4, 5 बार इसे हम राउंड 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 घुमाएंगे, तब जाके वो परफेक्ट सर्कल ओवरऑल दिखेगा। हाँ, और फिर हम उसमें एक सर्कल बनाए, फिर ऐसे हमको कहीं स्क्वायर बनाए, तो स्क्वायर बनाना है तो सॉरी चिड़िया थी तो हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते परफेक्ट, हम ऐसे लाइन बनाएंगे, फिर ऐसे ऐसे बनाएंगे, फिर स्क्वायर बनाएंगे, जो कि काफ़ी लाइंस को मिला जुला के एक सिंपल लाइन बनेगी। फिर उसको हम बाद में उसके ऊपर फिर हम एक उसको मिला जुला के एक फाइन लाइन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एक फाइन लाइन, फिर उसके ऊपर डिटेलिंग, फिर उसके ऊपर ड्राइंग। इस तरीके से हम लेयरिंग करते 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 हैं, जिससे कि हमारे शेप्स बेटर बनते हैं। जब आप शेप्स बना पाओगे फिर आप स्ट्रक्चर भी बना पाओगे। तो लेयरिंग और स्ट्रक्चरिंग दो वन ऑफ द बेस्ट और इम्पॉर्टेंट एक टिप है आपकी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए इन अ ड्राइंग एरा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आप इन दोनों टिप पर जोर जरूर दें। बाकी के टिप्स पे आप दे ना दें वो आपकी मर्ज़ी है, पर इन दोनों टिप्स पे तो आपको जोर देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप उठकर आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप डेली कितना प्रैक्टिस करते हो। आप अगर डेली जितना आप ज़्यादा दे सकते हो उतना बेस्ट है, लेकिन आप अगर ज़्यादा नहीं दे सकते हो तो आप डेली शाम को मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि ड्राइंग एक ऐसी सब्जेक्ट है लेकिन आप रिलैक्स होकर काम करते हो जिसमें आपको टाइम बहुत चाहिए होगा। तो मैं कहता हूँ आप रात को शाम को 1 घंटा 7 से 8 जिस समय आप फ्रेश रहते हो उस टाइम आप दो, और उस समय आप ड्राइंग को डेली दो, डेली 1 घंटा दीजिए और आप अपने ड्राइंग को 1 घंटा दीजिए। और जिस चीज आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, ऑयल पेंटिंग कर रहे हो, या फिर आप स्केचिंग पोर्ट्रेट्स वाटर कलर स्केचिंग की एक होता है पेंसिल कलर से, पेस्टल कलर से, बहुत डिफरेंट मीडियम होते हैं, तो आप जिस मीडियम में हो आप उसी की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ड्राइंग काफ़ी कम समय में और काफ़ी निखर के बाहर आएगी, जिससे कि आप ये ड्राइंग को सेल करके पैसे भी अर्न कर सकते हो और आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो। तो इसलिए रोज़ 1 घंटा मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना चाहो। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। और 4 टिप आती है आपकी फार अवे टू द मिथ से, यानी झूठ से दूर रहो। क्योंकि लोग कहते हैं कि आपके पास जब तक आपके पास कौन सी मैंने ब्रांड सुना था, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, कि स्टैडलर, यस स्टैडलर की आपके पास जब तक पेंसिल नहीं होगी
टॉम्बो मोनो के आपके पास इरेजर नहीं होंगे, जीरो इरेजर, तब तक आप अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकते। बट दिस इज़ नॉट ए ट्रू, आपको चाहिए स्किल। जी हाँ, मैं कहता हूँ कि आपके पास एक चीज़ नहीं होगी तो आप ड्राइंग नहीं बना पाओगे, वो स्किल। स्किल पैसों से नहीं खरीदा सकती, क्योंकि स्किल मेन होती है, और स्किल आपकी कंसिस्टेंसी से, टिप से, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ये इन्हांस होती है, इससे आपकी ड्राइंग का लेवल इन्हांस होता है। पर टोटली इस पर डिपेंड होना ये गलत है। आपको अगर मैं महंगे से महंगे सप्लीमेंट दे दूँ पर आपको ड्राइंग बनाना नहीं आता तो आप नहीं बना पाओगे। अगर आपको ड्राइंग बनाना आता है तो मैं आपको एक कोयला भी दे दूँ तब भी आप उससे बहुत बेहतरीन ड्राइंग बना लोगे। तो इसलिए ट्रस्ट मी, सप्लीमेंट डिफर, सप्लीमेंट तो रोज़ आते हैं, आप कितना खरीदोगे? सप्लीमेंट लाखों के आते हैं, क्या आप लाख खरीद सकते हो? नहीं, वो बस इन्हांसमेंट होते हैं लाइक बॉडी बिल्डिंग एंड अदर एरा। बस इसलिए आपको मिथ से दूर रहना है, और ज़्यादा आपको अगर आप बाय कर सकते हो तो आप उससे प्रैक्टिस करें, बेस्ट है, पर उस पर डिपेंड रहना बात गलत है। और आता है पांचवी और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, क्लियर अबाउट योर निश। निश का मतलब, जिनको नहीं पता बताता हूँ, निश का मतलब होता है एरा, आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। हाँ, जैसे कि जानते हो आप नए नए वर्ड उठ के आते रहते हैं, तो कैटेगरी का एक नया वर्ड है, वर्ड है निश। आप जिस भी निश में काम करना चाहते हो, ऑयल पेंटिंग, स्केचिंग, पोर्ट्रेट, या फिर कार्टून्स, और काफ़ी डिफरेंट मीडियम होते हैं। एक कॉफ़ी पेंटिंग होती है, यू नो दैट, और एक डस्ट आर्ट होती है जो कार के पीछे डस्ट से बनाई जाती है। एक होती है फायर पेंटिंग जो फायर करके बनाई जाती है। तो काफ़ी तरीके के होते हैं, तो अपने निश को फॉलो करें। आप एक कैटेगरी पकड़ें, दो कैटेगरी पकड़ें, ये जरूरी नहीं कि आप एक ही कैटेगरी पकड़ें, आप दो पकड़ सकते हैं कैटेगरी, कोई जरूरत नहीं है। आप पकड़ सकते हैं दो पकड़ तीन, लेकिन आप उस पर इक्वली सब पे काम करें। लेकिन अगर एक एक रहेगा तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आप उस पे फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए अपने निश को क्लियर रखें, इन टिप को ध्यान में रखें, अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करें। राधे कृष्णा, पीस ऑफ।